आज की वीडियो विल बी ऑल अबाउट रेजिस्टेंस बैंड्स एंड ऑल दोस एक्सरसाइजेस जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हैं इफेक्टिवली टू बिल्ड योर चेस्ट शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स। अगर आप एक बिगिनर हैं जिसके पास जिम का एक्सेस नहीं है एंड जो अभी भी होम वर्कआउट्स कर रहा है देन मेक श्योर टू वॉच दिस टिल द एंड। ऑल्सो अगर आपको एक कंप्लीट गाइड चाहिए ऑन हाउ यू शुड परफॉर्म योर होम वर्कआउट्स देन मेक श्योर ये जो ऊपर लिंक करी गई वीडियो है उसको आप चेकआउट करें। उसमें मैंने काफी डिटेल तरीके से ये एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आपके मसल्स को नहीं पता कि आप फ्री वेट्स यूज कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस बैंड या फिर खुद का बॉडी वेट। देयरफॉर नो मैटर व्हाट टूल यू यूज, अगर आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं एंड अपनी एक्सरसाइज को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं देन यू विल डेफिनेटली सी गेन इन योर मसल्स टू सम एक्सटेंट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। सबसे पहले आर ऑल दोस चेस्ट एक्सरसाइजेस जो आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर सकते हैं। ऑल्सो देर आर मल्टीपल टाइम स्टैम्प्स फॉर ईच एक्सरसाइज, सो अगर आप आगे स्किप करना चाहते हैं देन यू कैन डू दैट एज वेल। फर्स्ट इज फ्लोर प्रेस यूजिंग बैंड्स। इसका फॉर्म एक्जैक्टली बेंच प्रेस की तरह ही होता है। मेक श्योर योर आर्म्स आर मूविंग इन अ स्लाइट आर्क मैनर एज यू कैन नोटिस हियर। परफॉर्म दिस इन अ कंट्रोल्ड वे एंड अगर आपको ये इजी लगता है देन यू कैन ऑलवेज ऐड मोर बैंड्स। बट यू विल नोटिस कि इसमें आपका रेंज ऑफ मोशन इज क्वाइट लेस बिकॉज आपकी एल्बोज रिस्ट्रिक्ट होती हैं फ्रॉम द ग्राउंड। इसलिए इसको बेटर परफॉर्म करने के दो और तरीके हैं। यू कैन परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज इन अ स्टैंडिंग पोजिशन, इसकी वजह से आपके एल्बोज पूरे पीछे तक जा सकते हैं एंड यू वोंट हैव दैट रिस्ट्रिक्शन। एंड उससे भी बेटर ऑल्टरनेटिव इज यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ बेंच अगर आपके पास अवेलेबल हो। सेकेंड एक्सरसाइज इज असिस्टेड पुशअप्स। अगर आपसे एक रेगुलर पुशअप पूरी तरीके से परफॉर्म नहीं होता देन दिस कैन बी अ ग्रेट वे टू प्रोग्रेस टू दैट। आप इसमें जितना हैवी बैंड यूज करेंगे उतनी ही ये एक्सरसाइज इजी होगी। ऑल्सो इसके लिए आपको एडिशनली एक पुलअप बार की भी जरूरत पड़ेगी व्हिच आई ऑलवेज रेकमेंड एवरीवन शुड हैव बिकॉज इट्स अ वेरी यूजफुल टूल। बाय द वे जो भी इक्विपमेंट मैं यूज करता हूँ उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है इफ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट। The next exercise is resisted push-ups. अगर आप regular push-ups काफी easily perform कर लेते हैं, then this is a great way to make it much much harder. The more bands you use, the more difficult the exercise becomes. So make sure to not break the form while performing this. And I can assure you कि मैंने भी ये सारी ही exercises करके एक decent physique build करी थी, जो आप check out कर सकते हैं ये ऊपर link करी गई video से. Hey guys, if you're enjoying the video so far, a sub to the channel will be extremely helpful. Alright, back to the video. Alright, the fourth exercise and probably my favorite chest exercise is parallel bar dips. अगर आपके पास parallel bars available नहीं है इस चीज के लिए, then आप जो आपके किचन का एक कॉर्नर होता है स्लैब का वो यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी दो हाई ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकते हैं इक्वल हाइट के। इफ यू फाइंड डिप्स हार्ड टू परफॉर्म देन आप रेजिस्टेंस बैंड को यूज करके उनको ईजी कर सकते हैं बाई परफॉर्मिंग असिस्टेंट डिप्स। द थिकर द बैंड द ईजियर द एक्सरसाइज। एंड अगर डिप्स आपके लिए काफी ईजी है देन आप इनको यूज करके एक्सरसाइज को डिफिकल्ट बना सकते हैं बाई परफॉर्मिंग रेजिस्टेंट डिप्स। इसमें जितना मोटा होगा बैंड उतनी ही डिफिकल्ट होगी एक्सरसाइज। द लास्ट चेस्ट एक्सरसाइज इज सम सॉर्ट ऑफ अ चेस्ट फ्लाई मोशन। जस्ट लाइक द फ्लोर प्रेस आप इसको जमीन पे लेट के रेजिस्टेंस बैंड की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। हाउएवर इसमें भी आपके एल्बोज रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। देयरफॉर देयर आर फोर बेटर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। फर्स्ट इज परफॉर्मिंग द चेस्ट फ्लाई इन ए स्टैंडिंग पोजीशन एंड सेकंड इज यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ बेंच इफ अवेलेबल एट योर होम। इन दोनों में ही आपके एल्बोज रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते एंड आपके चेस्ट मसल्स को एक काफी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। द थर्ड अल्टरनेटिव इज इवन बेटर। इसके लिए आपको बैंड को एक डोर के हैंडल पे अटकाना है ऑन बोथ द साइड। इसके बाद होल्ड द बैंड्स एट एन इक्वल डिस्टेंस, लीन अगेंस्ट द डोर एंड सपोर्ट योर अपर बैक प्रॉपर्ली। एंड नाउ व्हेन यू परफॉर्म द चेस्ट फ्लाई मोशन Not only do you get a good amount of stretch in your chest muscles, लेकिन आपको एक अच्छा stable environment भी मिलता है to properly execute the exercise. And अगर आप notice करें, then this particular setup is more or less like your pec deck machine. And finally, the fourth alternative is performing this exercise unilaterally, या फिर one arm at a time. इसमें भी आपको band को अपने door के handle पे अटकाना है and hold the band from one side. You can also take support from a wall अगर आपके पास ऐसा कुछ setup available है. And make sure there is sufficient tension in the band when you are performing this movement. इसको unilaterally perform करने की वजह से आप एक से इसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाते हैं वन आर्म एट अ टाइम। Alright, now let's perform some shoulder movements. First exercise is a regular overhead press. This helps target your side delts and your front delt. इसका movement pattern is exactly like a barbell overhead press. आपको band को अपने पैर के नीचे अटकाना है, hold it from both the sides and simply press up. However, बहुत सारे लोगों को ये थोड़ा difficult लग सकता है because इसमें band काफी ज्यादा stretch होता है, which means उसके अंदर काफी tension रहती है. इसलिए इसको easy बनाने के लिए आप एक seated position में भी perform कर सकते हैं. Simply sit on the band, hold it from both the sides and perform the same motion. इसकी वजह से band में stretch कम होता है which creates lesser tension and makes the exercise easier. Next are front shoulder raises. These are again great to target your front delts. इसमें आपको bands को अपने पैर के नीचे अटकाना है and simply raise the band in front of your shoulder at your shoulder height. Next are upright rows. इसमें भी आपको bands को similar तरीके से ही use करना है except for the change in movement pattern. And lastly we have the lateral raises जो specifically आपके side delts को target करेगा. इसमें आप दोनों hands के लिए एक साथ perform कर सकते हैं और one arm at a time which I personally prefer. Finally it's time to hit the triceps. First is the tricep pushdown. This is a perfect replacement for the regular cable tricep pushdown. इसमें आपको band को अपने door के top पे attach करना है. Rest your head against the door, maintain a slight lean and simply perform the pushdown.
मेक श्योर आप बैंड को डोर के पास ही परफॉर्म कर रहे हैं एंड नॉट अवे फ्रॉम इट, बिकॉज उसकी वजह से बैंड आपके ऊपर आ सकता है. हाउएवर इफ यू एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली देन नो सच थिंग विल हैपन. नेक्स्ट आर ओवरहेड ट्राइसेप्स. दिस इज अगेन अ ग्रेट रिप्लेसमेंट फॉर डंबल और केबल ओवरहेड ट्राइसेप्स. इसके लिए आपको बैंड को सिक्योरली अपनी हील के नीचे अटकाना है, देन होल्ड द बैंड बिहाइंड योर बैक इन एन ओवरहेड मैनर एंड सिंपली परफॉर्म द ट्राइसेप ओवरहेड पुश. यू कैन आइदर परफॉर्म इट विद बोथ द आर्म्स और वन आर्म एट अ टाइम. I personally prefer performing it one arm at a time because uski wajah se triceps mein ek kafi acha stretch and squeeze milta hai. And lastly we have the tricep kickback. This is also a decent option if you want to perform it, lekin main upar ki do exercises ko zyada recommend karunga for your tricep growth. Alright guys, so these are all those exercises jo aap resistance band ke sath kar sakte hain apne ghar pe in order to build your chest, shoulders and triceps. However, I always recommend to mix it with some sort of bodyweight movements. एंड ये सारी चीजें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करी हैं इन द लिंक्ड वीडियो इफ यू वांट टू चेक इट आउट. इसी तरीके से मैं आपके बैक, बाइसेप्स एंड लेग्स के लिए भी वीडियो डालूंगा यूजिंग ऑल दोस एक्सरसाइजेस जो आप रेजिस्टेंस बैंड के साथ कर सकते हैं. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट.